अभी हम देखेंगे 9801 का वर्गमूल कितना होता है। तो आप जानते हैं वर्गमूल को कैसे लिखते हैं, हम अनरूट से लिखते हैं। और यहाँ पर हमें करना क्या है, देखिए दो समान संख्या का जोड़ा, फिर आगे दो समान संख्या का जोड़ा, यानी स्टेप फर्स्ट। यदि मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं तो आपने क्या किया, संख्याओं का जोड़ा बनाया, अंदर में कितना आ गया 98। अब क्या करेंगे, इसके लिए एक संख्या का चुनाव करेंगे, यह संख्या लेंगे 1 से लेकर 9 तक, जिसका खुद के साथ गुणा करने पर इससे बड़ा ना। लगाओ दिमाग। तो हमने लगाया दिमाग कि जब मैं 9 गुणा 9 लेता हूँ तो कितना आता है 81। किसको लिया मैंने, 9 को, तो एक बार ऊपर लिख दो। फिर अगले स्टेप में इसको जोड़ना है, इसको घटाना है, ऊपर से जो 2 अंक हमने अंडरलाइन किए उसको यहाँ नीचे ले आएंगे। फिर भाई वही लगाओ दिमाग, इसके साथ कौन सी संख्या लें उसी का गुणा करें कि इससे बड़ा ना है। तो भाई हमने लगाया दिमाग, इसके साथ जैसे मैं 9 लेता हूँ तो ध्यान रखें जिस संख्या को लिखेंगे उसी का गुणा करना है। तो 99 81, 8 कैरी चला गया, 9 8 72 और 80, 8 कैरी आ गया, 9 8 17। इसको लिया 9 को, तो एक बार ऊपर लिख दो। फिर हमने घटाया, 0 आ गया। यह जो वैल्यू है कितना, 99, यह आपका आंसर है। तो इसको आप ऐसे आसान तरीके से समझ सकते हैं। चलिए अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।